आईपीएल की नीलामी हो या फिर मैदान पर मैच, हर जगह आपको एक खूबसूरत चेहरा जरूर नजर आता है जो नीलामी में अपनी टीम के लिए रणनीति बनाता नजर आता है, तो मैदान पर खिलखिलाता नजर आता है। नाम है काव्या मारन। जी हां, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की टेबल और मैदान में ड्रेसिंग रूम में आपको ये चेहरा जरूर नजर आता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काव्या मारन है कौन, इस टीम के साथ उनका क्या रिश्ता है और वो कितनी पढ़ी लिखी है? चलिए आपको बताते हैं, आपको ये बताते हैं कि आखिर काव्या मारन है कौन। दरअसल ऑक्शन हॉल में सनराइजर्स हैदराबाद की टेबल पर बैठी ये लड़की कोई और नहीं, सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक कलानिधि मारन की बेटी है। जानकार लोग बताते हैं कि काव्या मारन को क्रिकेट से बहुत गहरा लगाव है। काव्या इसके अलावा सन टीवी के एफएम चैनल से भी जुड़ी हुई हैं। चेन्नई की रहने वाली काव्या एमबीए की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं और संगीत में अपना अधिकतर समय गुजारती हैं। काव्या मारन एमबीए करने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़कर टीम की रणनीति बनाने का काम करती हैं और वो सनराइजर्स हैदराबाद टीम मैनेजमेंट का अहम हिस्सा भी हैं। काव्या मारन चेन्नई के स्टेला मारिस कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क लियोनार्ड और स्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद काव्या अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटा रही हैं। माना जाता है कि अब हैदराबाद की टीम के हर फैसले में काव्या का बड़ा योगदान रहता है। वहीं अगर काव्या मारन के पिता कलानिधि मारन की बात करें तो उनकी गिनती भारत के सबसे अमीर लोगों में होती है। कलानिधि मारन भारत के बड़े टीवी नेटवर्क सन टीवी के मालिक तो हैं ही, इसके साथ ही वो भारत में 32 चैनल्स और 45 एफएम रेडियो स्टेशन के भी ऑनर हैं। आपको बता दें कि काव्या देश की सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाली महिलाओं में से एक है। तो आपका काव्या मारन को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।